अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मज़मून निगारी एक अच्छा मुसलमान, अ गुड मुस्लिम ऐसे इन उर्दू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक अच्छा मुसलमान, अ गुड मुस्लिम होने का मतलब सिर्फ इस्लाम के 5 सतूनों की पैरवी करना नहीं है, बल्कि कुरान के असूलों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना भी है। एक अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू इस्लाम के असूलों पर अमल करते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे। इस्लाम के अहम तरीन असूलों में से एक अल्लाह की वहदानियत पर यकीन और उसकी मर्ज़ी के बगैर सर तस्लीम खम करना है। एक अच्छा मुसलमान वो है जो इस बात को तस्लीम करे कि ज़िंदगी की हर चीज़ अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान है और इसका आखिरी मकसद उसे राज़ी करना है। इसके लिए आजिज़ी, सब्र और मुसीबत के वक़्त साबित कदमी की ज़रूरत है। इस्लाम का एक और अहम असूल दूसरों के साथ हमदर्दी और मेहरबानी की कदर है। एक अच्छा मुसलमान वो है जो अपने साथी इंसानों के लिए हमदर्दी, देखभाल करने वाला और समझ बूझ रखने वाला हो। एक अच्छा मुसलमान भी अदल व इंसाफ के असूल पर अमल करता है। वो नाइंसाफ़ी, जबर और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ खड़े होने में यकीन रखते हैं। एक अच्छे मुसलमान की अहम तरीन जिम्मेदारियों में से एक ये है कि वो इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए। इन असूलों के अलावा एक अच्छा मुसलमान वो भी है जो नमाज, खुद गौर फिक्र और कुरान और हदीस के मुताले के जरिए मुसलसल अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। आखिर में एक अच्छा मुसलमान होने का मतलब सिर्फ 5 सतूनों की पैरवी करना नहीं है, बल्कि कुरान के असूलों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का भी नाम है। इसके लिए आजिज़ी, हमदर्दी, रहमदिली, इंसाफ पसंदी और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करने की ज़रूरत है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।